कामे चे यू पीपल कामे चे डाली डाली सुनी च तेरा पीना यो होली दिवाली। फाइनली वोट भी दे दिया है 100 किलोमीटर तय करने के बाद। नेता लोग छिन्नू आया छिन्नी ये संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। एक बार जो छोट मोट नेता छिन्न वो क्या को नहीं करता ये चीज ऊपर काम। अब ये रोड हम तो इन चढ़ी अब वो बोलते कि नजीक मान इन बैठ जा तो तू कौन कौन और भाई बड़ गोर बल लू बुकावर छुट गोर थु थु तो वे जनो घुसिंगी रोड भी स्वीकृत छे मरगा रोड स्वीकृत छे बरगा रोड मरगा रोड स्वीकृत छे द्वारिकाल बांगर स्वीकृत छे वो क्या बोलते हैं बरसुड़ी नहीं सब स्वीकृत हमार रोड डामरीकरण सब स्वीकृत है। वे एक बार जब चुनाव जीतने बाद जमीन फोन का तो फोन स्विच ऑफ डाउन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका योग नगरी रिस्के से एक नए व्लॉग में। और आज मेरी तैयारी है गांव जाने की क्योंकि आज है वोटिंग का दिन। तो आप लोग भी वोट देके जरूर आगे होंगे क्योंकि ये वीडियो आप एक दिन बाद देख रहे होंगे। तो एक बेहतर भारत के लिए वोट देना बहुत जरूरी है और हमारा अधिकार भी है वो। फिलहाल यार अभी निकलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। बाकी दोस्तों भाई मिल गए थे गेंडखाल से और आज गाड़ियाँ चल भी नहीं रही है तो तब वहाँ से तब यहाँ तक साथ में आ रहे हैं। तो भाई ने मुझे लिफ्ट दी स्लोगे तक के लिए और ऐसे टाइम पे आपको लिफ्ट मिल जाए तो बहुत बहुत खुशी होती है अंदर से। आज के दिन ना मतलब गाड़ियाँ है भी नहीं और भाई भी वोट देने के लिए आ रखे हैं गाँव, तो अच्छी बात है मतलब। चलो बाकी भाई हैं रेस से, मिलते हैं तब बहुत जल्द, ठीक है, बाय बाय। बाकी यार दोस्तों मेरे साथ ना अभी साहिल भी जा रहा है और हम जा रहे हैं बाइक में ही क्योंकि हम जा रहे हैं भलगांव वाले रास्ते से, तो वो वाला रास्ता काफ़ी ख़राब है और स्कूटी के जो टायर है ना वो भी बहुत घिस रखे हैं तो मतलब कहीं फंस ना जाए, तो इसलिए तब बाइक में ही जा रहे हैं। बाकी दोस्तों पहुंच गए हैं द्वारिकाल मार्केट, अब यहाँ से लगभग भलगांव होगा 3-4 किलोमीटर, तो यहाँ से भी सामान ले लिया है क्योंकि आगे दुकानें हैं नहीं ना। जैसे ही द्वारिकाल से निकलो ना तो यहाँ पे रोड बहुत ख़राब मिलती है लगभग 50 मीटर, क्योंकि ये वाला एरिया जो आता है वन विभाग में आता है, तो वन विभाग वालों ने ना परमिशन नहीं दी यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, मतलब बहुत बदतर हालत है यहाँ पे। तो वन विभाग वालों को वैसे परमिशन दे देनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे वो। तो भाई फिलहाल अभी एक ब्रेक लिया है क्योंकि भाई रोड इतनी ख़राब है ना, साहिल की हालत ख़राब हो गई भाई, हाथ उसके ना दर्द करने लग गए। तो फाइनली भाई 100 किलोमीटर तय करने के बाद अपने पोलिंग बूथ में भी हम पहुंचने वाले हैं और यह है भलगांव और यहाँ नीचे है यहाँ की प्राथमिक विद्यालय, तो वहीं पर पोलिंग बूथ बना है। कामे चे यू पीपल कामे चे डाली डाली सुनी च तेरा पीना। तो चुस्की पिलाए। बाकी यार दोस्तों सुशील और भी मिल गए हैं यहाँ पे, तो यह खोड़ी गांव के हैं। और क्या हाल चिंतम, वोट दीनक जाना सा कौन है खाना दिया लापन वोट को जीतना ना, अब दिखा दो कुछ जीतना भाई, वो तो क्या जीताना था क्या तो जिताना था। मैं तो भाई नोटा वाला हूँ, बाकियों का पता नहीं क्योंकि यार कोई आता ही नहीं है यहाँ ना, यहाँ इतना विकास है। तो भाई बचपन में किस किस ने चुस्की पी है कमेंट करके बताना, मज़ा आ गया भाई चुस्की पी के। दही नमस्ते, वोट देकर है क्या कहा साहब, हम पाठक पहुँच गए भाई। बाकी यार दोस्तों पहुँच चुके हैं अपने पोलिंग बूथ पे, तो अब वोट देते हैं। फाइनली वोट भी दे दिया है 100 किलोमीटर तय करने के बाद अपने पोलिंग बूथ पे। चलो भाई यहाँ के जो यूथ है ना उनसे पूछते हैं कि भाई कैसी पार्टी जीतनी चाहिए। बीजेपी नहीं जीतना चाहिए, हमको कुछ करनी नहीं। कौन जीतनी चाहिए? बीजेपी। क्यों है? कुछ कार्य नहीं बीजेपी ने जीतनी ना, बीजेपी ही जीतनी चाहिए। क्यों, कुछ कारण तो होगा, हमारा रोड नहीं यार,
रोड जब कांग्रेस है तब भरी जहाज है ना बीजेपी मजर रोड वो करिया थी कता ची घोटे भेजार पास हम तो कोई डाले बड़े बहुत दूर निकल बहुत मुश्किल से भाई बिना पेपर दिया देखा भर्ती हो जा रोड अलावा और क्या क्या विकास है और हमारे भर्ती भी नहीं उड़ान पठान के विकास है पंगा अच्छा तुम तो अग्निवीर वाले होंगे हाँ अग्निवीर वाले तो अग्निवीर अच्छा है बेकार अच्छा बेकार यार अच्छा सी यार बेकार चार साल जो भर्ती नहीं मैं नहीं तो अच्छा क्यों और क्या दिया वोट तब बीजेपी तीन मिन्न अभी तो कांग्रेस कांग्रेस है बन्नू मैं बीजेपी बाल रहे दीपा टिवाल जी बना तो नहीं तभी ना यार तो धांधलाबाद नहीं बोले बीजेपी ट्रम ना ट्रम तुम मतलब नोटा क्या कुनी तब नोटा नोटा बोले तो नोटा मतलब कहते ना रोजगार मिला रोजगार मिला पर पेंशन दिहाड़ी नहीं मिली दिहाड़ी सीधे काम करे मन रहे सरकार बेरोजगार अब बखर पढ़ना चाहमी बीजेपी सरकार से ही उच्च मेल एक आध बखर दे देन में फिर वहां पठो भाई साहब यार मेरा बस इसके पेट दर्द हो गए तुम जाना चाहते चलो ठीक है था भाई नमस्ते अरे नमस्कार दयाल वोट कह दिया अपन वोट कह दिया अपन वोट बाबा जान के दे जा हमर क्षेत्र में विकास होना चाहिए हाँ क्षेत्र में क्या विकास हो कुछ भी नहीं जैसे लोग मर गए वो कल चढ़ एकदम गाड़ी नहीं बाड़ी नहीं कुछ नहीं वोट क्या बेस पर दी कुछ भी नहीं जो नेता लोग वो तो प्रवासन सब बैठा संसद में बैठल परवा चुनाव जीती सही बात कोई बस तो नोटा दिन से नहीं मतलब नोटा भी क्यों दिन तब एक आज वोट खाते भी क्यों कर अगर सब अगर मिल लिखन दिया हो मिली हुआ वो मिल लिखा ना हाँ तब मिल ही जान जाए मिल पोलिंग नहीं नोटा तब हम सुने ये विकास क्यों क्यों विकास तो ये स्थिति का तो खराब ही तो मतलब मेन टक्कर तो गोदियाल जी और बलूनी जी मजे ये संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते हम आपके बोल रहे हैं ये जो रोड से क्या को टूटी है ये जो रोड से रोड से फास पिलर गए थे रोड पैसे नहीं कल पिलर बोली पैसे नहीं सरकार ने वो दे दिखा को पिलर का नहीं कटे सरकार को पैसे नहीं दे एक बार जो छोट मोट नेता छिन वो क्या को नहीं करता ये चीज ऊपर काम नेता अब बिल्कुल सही बात जो छुटने विधायक क्यों काम वो भी व्यक्तिगत फायदा दिखता ग्राम प्रधान जो पांच साल में कुछ कहे निवाल अपन एक चीज देख लो अपन व्यक्तिगत फायदा ज्यादा दिख दो बाकी ज्यादा मैं भी नहीं बोलना चाहन क्योंकि अब एक क्षेत्र पता चला मेरा क्या हाल छिन अब सड़क तो निकल नहीं जो गवर्नमेंट है लेकिन वो एक मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं दिखेगी ना हमें सड़क वो एक मेंटेनेंस नहीं जो गाड़ी चढ़ में मुश्किल हुई जो गाड़ी आने में मुश्किल हुआ तो फिर मेंटेनेंस भी तुम छोड़ना हुआ गार्डन से तू सड़क गार्डन से तोड़नी एक लोग भी तो जागरूक नहीं छिन लोग तीन ना कि लोग जागरूकता तीन कि मैं बोलू मैं बुरा हाँ बोले दो आप बुरा आप कठा तो होना नहीं चाहिए एक मुख तो छह तो ये चीज तो नहीं यही तो बात है ना बाकी कुछ नहीं अब सड़क से हमारे बुफा बुरा हाल से नहीं सड़क वो तो धन्य वो ये गाड़ी बस चलाना चाहिए है ना तो लोग होते हैं पर मेंटेलिटी ठीक करना चाहिए ना है ना तो
तब के मैसेज पर एंजना मैं भी सबसे बड़ी भूमिका कर्मचारी हूँ मैं बताऊँगा मानो एक बात बताऊँ मैं सर्वे कौन वाला हूँ मैं एकदम चाहूँ था कि हूँ सर वो बोलूँ कि एक बार इंडिया आ गया तू कौन वो नॉल भाई तू कौन होता बोलने वाला हमें यहाँ से यहाँ से ही है तू हमारे बोलियो चल ना क्या एक बोलियो चल ना हमारे बोले चलो ना जनता बोलियो क्योंकि वो एक पढ़े करी वामा वो वे काम हुई च सर्वे करना वे तो पता चे कि ककम क्या चे ककम क्या चे वही बात तभी मैं एक्सेप्ट हाँ तो लेकिन याचे कि वे तो लेकिन क्षेत्र लोग उधर वो करण चेन कॉम्प्रोमाइज करण चेन हाँ कि लेकिन मैं बोलूँ जो ना कि ठीक है वो टेक्निशियन पर वे तो मतलब मैं मानू हाँ जो टेक्निशियन चे ना एक मिनट जो टेक्निशियन चे ना वे तो मतलब याचे कि सब बुक जत का जत की लोग छीन सब बुक बारे में सोचण चेन ना कि एक अक तो मैं टेक्निशियन की बात हाँ टेक्निशियन के बाद इंच कि हम ये सुविधा चाहिए ये बार हम सुविधा में नहीं हाँ लेकिन वो बोलो कि ना एक बार इन बैंड दिन मैं रोए मत आज एक बैंड खबरू नहीं सर्वे तो चाहूंगे बात यह सर्वे भी अपन मर्जी चलना और यहाँ जो सर्वे की मतलब हो सकते की कैसे कनेक्ट भी हुआ जहाँ जैसे चीज क्या एक व्यक्तिगत कनेक्टर तो छह ही हुआ ना कि कनेक्टर छह ही ना वो वही भी कनेक्टर लेकिन वो तो ग्रेड मिलान चाहिए हाँ मतलब अपर मानो मैं बोलूं कि एक मान उन दिल्ली जाएंगे मतलब पर काम जो है ना वो सही से नहीं करता ग्रेड नहीं मिलो तो वो अपर काम सही कार ना नहीं मिला मैंने मिन्तु मार बोला मैंने चलो ग्रेड मिलान से ना टेक्नीशियन टू हम तो नहीं चार टेक्नीशियन फिर मैं इनके आके एक पुड़ के आ चुके जन की यु गांच और यु द्वी गांच नगल बगल गांच एक अकुण भी मतलब द्वी रोड चेना छे ये द्वी रोड होता हमारा पर गलती यो भी तो गलत है रोड हमारे पर गलती है हां हमारे गलती है बस यो ही चीज चिन्ह हर जगह पर गवर्नमेंट भी कहीं नहीं मजा वो गवर्नमेंट दिखने से कि बस भलगांव से स्लोगा मोटर मार्ग से और बस से स्लोगा मोटर मार्ग से हां दिखने से यार रोड एक काम है समझ आ तो वही ना तो सरकार कमी च नहीं आवे सरकार कमी भी चाहे लोग तो कमी भी चाहे लेकिन एक कमी नहीं बोल सकता दुई कमी च अब गांव जुड़ के जा रहा है कि मेरगा भलगा मेरगा सोगा अब भेड़गा मेरगा सोगा दे रहे तो जो भलगा पटेगा जो एथर या पास होनी चाहिए या भी तो गलत पास होनी चाहिए यहाँ पे बहुत मोड़ छीन बात हुई हाँ, अगर वैसे बढ़िया अगर ये सीट जाए दे भाई दस आदमी तो पकड़ो ना गांव बैठे काम जो दस डिपार्टमेंट का काम दस न पहले इन्होंने चाहिए एक मीटिंग रखो मीटिंग रखो सब लोग उगा और जो मतलब ज्यादातर लोग जकबुल अंकल जी ना बिल्कुल सही बोल रहे थे जो भी सर्वेयर होते हैं ना वो ना ठीक से काम नहीं करते हैं मतलब यहाँ के लोगों ने बोला कि मोड़ चाहिए तो वो मोड़ दे देंगे मतलब उनका भी एक काम है उन्होंने उसकी पढ़ाई कर रखी है तो मतलब बहुत बुरे हाल है मतलब तो ये जो रोड है ना इसका भी ऐसे ही हाल है और कुछ लोगों के वजह से ये जो रोड है ना अटक रखी है हड़ताल महाराजा लौड़ा छे ना मेर एकम बजाबू बैठे तो वे दिन घुसेंगे रोड स्वीकृत छे मरगा रोड स्वीकृत छे मरगा रोड स्वीकृत छे द्वारिकाल बांगड़ स्वीकृत छे वो क्या बोलते हैं बरसुड़ी नैनी सब स्वीकृत हमारे रोड डामरीकरण सब स्वीकृत है वही बात जब चुनाव जीतने बाद जब मैं फोन करता हूँ फोन स्विच ऑफ ग्राउंड में वही फोन स्विच ऑफ वही सीपीओ को हमारी पब्लिक है हम तो बोलते नहीं अरे जो नेता तुम्हारे लिए काम कर सकता है उसको वोट दो सही बात और तुम मलब... पार्टी बेस में क्यों जा रहे हो जिस जो तुमको मतलब 15 साल से हमारे साथ में धोखा कर रहे हैं तुम उसको जबरदस्ती वोट दे रहे हो उमर हमारा अधिकार है और हम मतलब कहते भी दे सकता है और नेता तो देखो ना हाँ मतलब जो हमारे लिए काम करेगा हाँ अधिकार वाला तो सबका है और ये भी तो देखो अधिकार इन थोड़ी के क्यों जो हम पर थोपे हुए मतलब कि यहाँ को मतलब व्यक्ति या मतलब जो भी तुम पार्टी बेस से नहीं देना चाहिए पार्टी बेस नेता देखो जो हमारे लिए काम करेगा
आज 15 साल हो गए, आज मेरे पास चुनाव से 3 महीना पहला से पिलर घटा, आज 4 साल हो गए पिलर घटा, फिर मर गया पिलर घटा हो गए। कक्ष महाराज कक्ष ये वो जो कार्यकर्ता जो चमचे वो कक्ष जो वे दिन वो फर तुम्हार वो हिस्सा कम बटे उठे पाट ग्रोगा स्लोगा मरगा भिड़गा मरगा कक्ष महाराज लड़का मैंने कहा शाबाश मेन जो हमारे मेरी बात सुनो सुनो मेरी भाई मेन मेन हमारी होते सबसे बड़ी चीज हम तो एक व्यक्ति ये द्वारिकाल बांगड़ मोटर मार्ग से आज कबक चू वे मोटर मार्ग से कितना फैसिलिटी थे पूरा एम के स्वर चौबटा का रास्ता खुला नुकम बटाई क्या को हॉस्पिटल को आज हमारी कम कोई आदमी बीमार हो तो 800-1500-2000 रुपये किराया दी अगर बाय चांस हमारे यहाँ रोड खुल जाए तो मात्र मतलब 600 रुपये में आदमी बांगड़ पहुँच जाए 700 रुपये में आदमी बांगड़ पहुँच जाए आदमी पैदल भी जा सको घुमन वही ना जाना सको मन पैदल तो हम तो लकीर का फकीर या हमारे लकीर का फकीर आनवल भविष्य में इंच ना कि तो गढ़वाल तो वजह के अब ये मानो हम छो एक नेता एक बात सपोर्टर छो पार्टी कोई भी छो कई भी पार्टी छो चाहे ये इससे मतलब नहीं कि बीजेपी हो या कांग्रेस कई पार्टी छो हम आमदन नहीं पकड़ो बड़े बड़े जो कार में गुणा तक बड़े बड़े लीडर थलो लेकिन अमर मुकुम ना देने लगा पर बात जो महाराज तक पहुंचो अमर पास आते शनि महाराज आपको यहाँ पे हो रही है वोटिंग तो यहाँ से पहले हम नीचे आए फिर ऊपर चढ़े। हालत ख़राब हो गई भाई, अगर यहाँ के छोटे मोटे नेता अच्छे होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, हमारी जो स्कूटी है ना जो बाइक है वो गांव तक पहुँचती। अभी दिन का टाइम है तो गांव भी सुनसान लग रहा है क्योंकि सब आराम कर रहे होंगे। तो मेहर गांव के कुछ लोग ना बहुत बेकार हैं जिनकी वजह से ये रोड नहीं आ पा रही है, तो एक दो लोगों की वजह से पूरा गांव बदनाम हो जाता है। तो इसीलिए ना जो नेता बनते हैं ना मत बना करो भाई, ठीक है, व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, सार्वजनिक फ़ायदा देखना चाहिए। धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, हालत ख़राब हो रही है। अब सोच रहा हूँ कि 100 किलोमीटर दूर क्यों आए होंगे हम नोटा दबाने के लिए। साहिल तो भाई पसीने में ना आ गया। तब तो मस्त छांव हो गई बादलों की, तब मज़ा आ रहा है चलने में। हाँ भाई हवा भी चलने लग गई, अच्छी बात है। फाइनली भाई पहुंच गए, तो ये अपना घर। तो भाई फाइनली हम भी घर पे पहुंच चुके हैं, तो मिलाता हूँ पापा से, तो पापा ने भी वोट दे दिया है। ये देखो भाई वोट डाले क्या क्यों, बाकी यार अब लग रही है खतरनाक वाली भूख, तो अब खाना खाते हैं। पापा ने मस्त कढ़ी और चावल बना रखे हैं। चलो भाई भाई टेस्टी टेस्टी कड़ी चावल भी खा लिया है और पापा ने भाई बहुत टेस्टी वाला खाना बना रखा था भाई, मज़ा आ गया, फुल एनर्जी आ गई। इस साइड से तो आवाज़ भी आ रही है, ये तो हिरन है लेकिन एक और आवाज़ आ रही है नीचे से। तो हमारा जो घर है ना सुनसान इलाके में है, तो यहाँ ना जंगली जानवर का बहुत डर रहता है। हिरन की आवाज़ मतलब हम काकड़ बोलते हैं इसको, काकड़ की आवाज़ भी आ रही है साथ ही साथ में। हैं क्या वो, हाँ मतलब कुछ झाड़ी में आवाज़ सी भी आनी इन जमले कुछ जानवर चल आज।
इना साइड अब चुप हो गया आवाज़ सही है यहाँ पे अकेले पापा की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक गांव में टिके हैं और हम बोल रहे हैं कब से कि चल लो लेकिन मना कर रहे हैं कि अभी नहीं जाना तो अब तो मतलब तो कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है कि जो आसपास जो जंगली जानवर है ना वो भाग जाए क्या बोलूं जी बाकी मैंने वीडियो का एंड तो कर दिया था लेकिन अब ये चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों लोग यहाँ से भाग जाते हैं अब लगा लो कई लोग तो कमेंट भी कर रहे थे कि प्लान मत करना हे गाय माता हो भाई इतनी छोटी है और मारने के लिए आ रही है हो बे